हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जॉब वैकेंसी एंड जीके। ऑल जॉब वैकेंसी एंड जीके में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय। जी, आपके पास ऑप्शन हैं लॉर्ड विलियम बेटनिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। जी, इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेटनिक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज। ऑप्शन है आपके पास द बंगाल गैजेट, द कैलकटा गैजेट, द बंगाल जर्नल, द बॉम्बे हेराल्ड। जी, सही आंसर है इसका द बंगाल गैजेट। अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता टू इंग्लिश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवद गीता को इंग्लिश में सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया। आपके ऑप्शन हैं विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगहम और जॉन मार्शल। जी, सही आंसर है चार्ल्स विल्किंस। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ। भारत में पहला सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, किसके किसके टाइम पे कंडक्ट किया गया था। आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड ऑकलैंड और सर जॉन नेपियर। सही आंसर है इसका लॉर्ड मेयो। हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा का दर्जा या किसने इंट्रोड्यूस कराया था सबसे पहले। ये आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड विलियम बेटनिक, सर चार्ल्स वुड, डलहौजी एंड एलन ऑक्टवेन ह्यूम। जी, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सर चार्ल्स वुड। फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज्य। सबसे पहले शब्द स्वराज्य किस भारतीय ने इस्तेमाल किया था। आपके ऑप्शन हैं ए राजा राममोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी स्वामी विवेकानंद। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन विच प्लेस डिट सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। आप सबको पता है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। क्वेश्चन है किस जगह पे ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी। आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, कैलकटा, बड़ौदा या चंपारण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंपारण। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टू एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने फादर ऑफ नेशन कह के संबोधित किया था। आपके ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। डांडी मार्च वाज बिगेन ऑन डेट ऑफ। ये काफ़ी मशहूर मार्च था ये, डांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी इसकी। ये कब शुरू हुआ था जी, इसके ऑप्शन हैं 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1928, 15 अप्रैल 1932 या 30 मार्च 1932। सही इसका आंसर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930। मंगल पांडे वाज ए सिपाही एट। मंगल पांडे कहाँ का सिपाही था। आपके ऑप्शन हैं 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बी मद्रास लाइट कैवलरी, 5th रॉयल गोरखा राइफल या डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर है 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे जिन्होंने 1857 में भारत की आज़ादी के लिए पहला कदम जो बढ़ाया था वो थे मंगल पांडे। इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी कुछ समय पहले जिसमें आमिर खान ने मंगल पांडे का किरदार निभाया था। जी आइए आगे चलते हैं। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 फॉट बिटवीन। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 में हुई थी वो किन दो लोगों के बीच में हुई थी। आपके ऑप्शन है बाबर एंड लोडी, मराठा एंड दुर्रानी, अकबर एंड हेमू, मुगल एंड ब्रिटिश। ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर एंड हेमू। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ अकबर, अकबरनामा। आपके ऑप्शंस हैं अबू फजल, शेख मुबारक, अबद अल कादिर बदूनी या फिर अब्दुल हामिद लाहौरी। जी सही उत्तर है ऑप्शन ए, अब्दुल फजल।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बीरबल? बीरबल का असली नाम क्या था? ये काफी कम लोगों को पता है, बीरबल का असली नाम, काफी मशहूर थे ये, अकबर के महारत्नों में से एक थे जी, नवरत्न थे ये अकबर के। आपके ऑप्शंस हैं महेश दास, ब्रह्मभट्ट, अमर सिम्हा, रमतानु या नन ऑफ द अबव। जी सही उत्तर है ऑप्शन ए, महेश दास ब्रह्मभट्ट। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त वन, सी रामगुप्त या डी विक्रमादित्य। सही आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। कबीर वाज़े डिसाइपल ऑफ, आपके ऑप्शन है ए वल्लभाचार्य, बी रामानंद, सी रामानुजा या डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका जी बी रामानंद, ऑप्शन बी रामानंद। विच मोन्यूमेंट वॉज नॉट बिल्ड बाय शाहजहां? इसमें से शाहजहां ने क्या नहीं बनाया है? ए ताजमहल, बी रेड फोर्ट, सी जामा मस्जिद या डी फतेहपुर सिकरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली वैन बाबर अटैक्ड इंडिया? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, बी बहलूल लोधी, सी महमूद या डी इब्राहिम लोधी। सही आंसर है ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। गायत्री मंत्र इज रिटन इन, गायत्री मंत्र कौन सी भाषा किस में लिखा गया है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच नॉवल इन 1882? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आनंदमठ। दीन इलाही रिलीजन वाज फाउंडेड बाय, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अकबर। द अदर नेम ऑफ चाणक्य इज, जी ऑप्शन डी विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त ही चाणक्य का नाम था अदर। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक रामचरितमानस? रामचरितमानस के उपन्यासकार कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी तुलसीदास। वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, वंदे मातरम भारतीय नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में सबसे पहले गाया गया? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1896 1896। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिया रिबेलियन इन 1857? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी चार्ल्स कैनिंग। हु हैड द इम्प्लीमेंटेड टू डॉक्टर इन द लैब्स पॉलिसी इन इंडिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने इम्प्लीमेंट की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी इन इंडिया। हु हैड फाउंडेड हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट आर्य समाज इन 1875? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड इन 1504 बाय, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। ड्यूरिंग विच गवर्नर रूल द इंडियन सिविल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवेलिस। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड? भारतीय नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई थी? सही आंसर है 1885, ऑप्शन डी। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जी इसका सही उत्तर है ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जी सही आंसर है इसका जी एनी बेसेंट। Who was the last Governor General of Indian under East India Company rule? The सही answer is Lord Canning. Who was the first President of Indian National Congress? इसका answer है वोमेश चंद्र बटर्जी, बैनर्जी, sorry, W.C. बैनर्जी। Which Mughal Emperor is also known as आलमगीर? जी सही answer है इसका औरंगजेब। दिल्ली इज़ ओनली लेडी रूलर रजिया सुल्ताना बिलोंग टू विच डायनेस्टी? जी इसका आंसर है ऑप्शन डी स्लेव डायनेस्टी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया? सी बहलोल लोधी। हु इज़ द राइटर ऑफ बुक रत्नावली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। विच सिख गुरु इनिशिएटेड द सिख खालसा इन 1699? सही आंसर है गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन डी। फेमस पोइट भानभट्ट वाज मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ द किंग? इसका जी सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हर्षवर्धना। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फाउंडेड द पोस्टल सर्विस इन इंडिया? भारत में सबसे पहले डाक सर्विसेज किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट की थी? इसका सही आंसर है बी लॉर्ड डलहौजी।
द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ पेपर बंगाल गजेट फ्रॉम कोलकाता वॉज स्टार्टेड इन ईयर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1780। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन ईयर, पानीपत की पहली लड़ाई कब स्टार्ट हुई, ये है ऑप्शन सी 1526 में। इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, जी सही आंसर ऑप्शन बी 1764। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस साल में हुआ था, जी इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्ते लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हु ऑर्डर द शूटिंग एट जलियांवाला बाग डेट किल 1000 प्रोटेस्टर्स, ये जी मैंने अभी आपको बताया रेजिनाल्ड डायर, जनरल डायर, ऑप्शन बी सही आंसर रेजिनाल्ड डायर। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमिंदर साहिब इन 1604, हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट करवाई थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव जी। नालंदा विच वॉज द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वॉज लोकेटेड इन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिहार। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन द ईयर, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, 1469 ऑप्शन सी। हाउ मेनी ईयर्स डिड मुगल एम्पायर एग्जिस्ट इन इंडिया, मुगल एम्पायर कब कितने साल भारत में रहे, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 331 वर्ष। विच वन वॉज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आगरा। हाउ मेनी ईयर्स डिड औरंगजेब रूल्ड, औरंगजेब ने कितने साल राज किया, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 49 ईयर्स। नरेंद्र नाथ दत्ता इज द ओरिजिनल नेम ऑफ, नरेंद्र नाथ दत्ता किसका ओरिजिनल नाम है, जी इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंदा, इन्हीं का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। वेयर इज द टूम्ब ऑफ मुगल एम्परर अकबर इज लोकेटेड, जी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आगरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।